हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट टाइम मॉम। मैं हूं अर्पिता एंड आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में एंड वो है हॉस्पिटल बैग। मेरी हॉस्पिटल बैग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो मैं आज आपको ये बताऊंगी कि मैंने अपने डिलीवरी के टाइम पे मेरी हॉस्पिटल बैग में कौन कौन सी चीज़ें रखी थी मेरे बेबी के लिए एंड मेरे लिए। तो चलिए डिटेल में देखते हैं कि मैंने कौन सी चीज़ें बेबी के लिए एंड मम्मा के लिए रखी है मेरी हॉस्पिटल बैग में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहले आपको ये बताती हूँ कि मैंने बेबी के लिए कौन कौन सी चीज़ें हॉस्पिटल बैग में रखी थी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने बेबी के लिए रखी थी। उसमें बेबी के कपड़ों की बात करूँ तो 7 to 8 पेयर्स मैंने बेबी के लिए लिए थे। उसमें मैंने ऐसे वंसीज 3 to 4 ऐसे वंसीज लिए हुए थे जो कि उसको बहुत कम्फर्टेबल हुआ। और इसमें नीचे ओपनिंग रहता है तो आप डायपर्स वगैरह कुछ चेंज करना है तो आप इजीली कर सकते हो। तो ये एक बहुत कन्वीनियंट रहता है और ये एक अच्छा ऑप्शन है, आप अपने हॉस्पिटल बैग में रख सकते हैं। देन मैंने 2-3 ऐसे लॉन्ग स्लीव वाले वेस्ट लिए थे क्योंकि मेरा ड्यू डेट था फेब्रुआरी में, तो वो टाइम पे थोड़ा ठंडा था तो आई थॉट कि उसको थोड़ा वार्म फील करने के लिए मैंने ऐसे लॉन्ग स्लीव वाले 2 वेस्ट लेके रखे थे। एंड बाकी के पजामास थे और ये सब चीजें कॉटन की थी, प्योर कॉटन की। वैसे मेरा कोई ब्रांड स्पेसिफिकेशन नहीं था लेकिन मैंने 0 ब्रांड के कपड़े लिए थे जो कि मुझे बहुत पसंद आए। एंड उसके बाद उसके सॉक्स एंड मिटन्स की बात करें तो मैंने इसके भी 7 to 8 पेयर्स लेके रखे थे और सभी मैंने वॉश करके ऐसे पैक करके रखे थे। सेम वे मैंने कैप को भी ऐसा ही किया था एंड कपड़ों को भी ऐसा ही किया था कि मैंने जैसे न्यू क्लोथ्स हम बाय करते हैं बेबी के लिए तो हमें उसको पहले वॉश करके फिर बेबी को पहनाना है। कभी भी आप ऐसे करो, न्यू बॉर्न हो या अंडर 1 ईयर, मतलब बेबी को कोई भी नया कपड़ा पहना हो तो ऐसे रेकमेंड करते हैं कि आपको वॉश करने के बाद ही पहनाना है। तो ये बात हुई बेबी के कपड़ों की। उसके बाद बात करते हैं नैपीज की। तो मैंने ऐसे कॉटन के 9 to 10 कॉटन नैपीज लेके रखे थे एंड साथ में मैंने न्यूबॉर्न बेबी के डायपर्स भी रखे थे क्योंकि मुझे मालूम नहीं था मेरे बेबी को क्या सूट करेगा, तो मैंने दोनों ऑप्शंस रखे थे। अगर उसको डायपर से रैशेस वगैरह हो जाए उसके टेंशन में मैंने ये कॉटन के नैपीज भी लेके रखे थे। लेकिन मुझे इनिशियली 3-4 डेज में ये कॉटन वाले नैपीज बहुत यूजफुल हुए एंड उसके बाद मैंने डायपर्स यूज करना स्टार्ट किया। तो ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे, आपको कौन सा रखना है। दोनों ही कन्वीनियंट है। अगर आपको आपके बेबी को डायपर सूट नहीं हो रहा है या रैशेज हो रहे हैं तो आप थोड़ी टाइम के लिए कॉटन के नैपीज भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है वेट वाइप्स। मैंने बेबी के लिए वेट वाइप्स लेके रखा था, वो मैंने वो टाइम पे हिमालय ब्रांड का लिया था। अभी मैं ये स्नगल्स यूज कर रही हूँ, दैट्स अप टू यू, आप कोई सा भी ब्रांड यूज कर लो। अभी मैं ये कर रही हूँ तो मैंने इधर ये वीडियो के लिए सिर्फ इधर आपको दिखाने के लिए रखा था। आप हिमालय भी यूज कर सकते हो और भी बहुत सारी ब्रांड्स हैं, आप कोई भी जो आपके बेबी को सूट हो वो ब्रांड आप यूज कर सकते हो। उसके बाद मैंने बेबी के लिए एक बेबी पाउडर लेके रखा था, वो मैंने हिमालय का लिया था। उसके बाद मैंने बेबी के लिए एक बेबी लोशन भी लेके रखा था, थोड़ा ठंडा था तो ड्राई स्किन होगा ऐसा कुछ करके मैंने बेबी लोशन भी लेके रखा था। दोनों मैंने हिमालय का लिया था एंड मैंने उसके बाद एक हैंड सैनिटाइजर भी लेके रखा था, वो भी हिमालय का है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी बेबी को कोई भी आता है मिलने के लिए या आप भी टच करते हो तो सैनिटाइजर यूज करना जरूरी है। आप कहाँ भी किधर भी आपके हाथ टच होते हैं, कंटामिनेशन होता है, आपके हाथ में कुछ भी लगा रहता है तो बेटर कि आप सैनिटाइजर यूज करें बेबी को हैंडल करने से पहले। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, आप अपने बैग में रख लें। उसके बाद मैंने एक ये डायपर रैशेस के लिए एक क्रीम है हैप्पी नैप करके, जो कि मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था, तो मैंने ये क्रीम रखी थी हॉस्पिटल बैग में क्योंकि वी नेवर नो इनिशियली बेबी को डायपर सूट हो ना हो, तो वो टाइम पे आप ये क्रीम यूज कर सकते हो जिससे कि तुरंत उसको रैशेस से आराम मिल सके। तो ये भी बहुत हेल्पफुल हुआ था। देन बात करते हैं बेबी के लिए नैपकिन्स। तो मैंने ऐसे स्मॉल साइज के नैपकिन्स लेके रखे थे, ये मैंने फर्स्ट क्राई से लिए थे। ये पूरा पैक था, पूरे एक वीक
का, जैसे कि ये संडे मंडे वैसे करके आपके 7 नैपकिन्स एक पैक में आते हैं। ये मैंने फर्स्ट क्राई से लिया था एंड बहुत अच्छा है, मैं आज भी यूज कर रही हूँ। मेरी बेबी अभी 1 ईयर के होने वाली है, पूरा साल मैंने ये यूज किया और उसको भी बहुत मजा आता है डेली डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के नैपकिन्स यूज करने में। तो ये हॉस्पिटल के लिए भी बहुत अच्छा है, आप इनिशियली यही ले लो जिससे कि वो टाइम पे भी आप यही यूज करो एंड थ्रू आउट ईयर भी आपको ये हेल्पफुल हो। तो ये एक मैंने पैक लेके रखा था छोटे नैपकिन्स के लिए। देन मैंने बेबी के लिए ये उसको स्वॉडल करने के लिए मैंने वाइट क्लोथ्स लेके रखे थे जो कि प्योर कॉटन रहते हैं, बहुत ही थीन मटेरियल, सॉफ्ट एंड स्मूथ रहता है। ऐसे मैंने 4 to 5 लेके रखे थे एंड उसको वॉश करके पैक किया था। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, बेबी को स्वॉडल करते हैं जब उसको लेके आते हैं डिलीवरी के बाद, तो बेबी को स्वॉडल करने के लिए हमें ऐसे क्लॉथ्स की ज़रूरत पड़ती है। वैसे हॉस्पिटल भी प्रोवाइड करते हैं, कई कई हॉस्पिटल नहीं भी प्रोवाइड करते, तो वो टाइम पे हमारे खुद के होने ज़रूरी है। तो मैंने ऐसे 4 to 5 लेके रखे थे, ये बहुत ही अच्छा मटेरियल रहता है और बेबी को एकदम कम्फर्टेबल फील होता है। एंड दूसरे मैंने ऐसे प्योर कॉटन के 3-4 दुपट्टाज लेके रखे थे जो कि बेबी को स्वॉडल करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आप उसको कवर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही यूज़फुल हुआ था मुझे। एंड ध्यान रखिए ये सब चीज़ें प्योर कॉटन की होनी चाहिए एंड आप पैक करें उससे पहले उसको प्रॉपर वॉश करके पैक करें। तो ये एक चीज़ स्वॉडल के लिए हुई। सो ये है क्विक ड्राई शीट जो कि बहुत ज़रूरी है। आप बेबी को जब डायपर्स वगैरह कुछ नहीं पहना है तब आप उसके बेड के ऊपर ये बिछा सकते हो। ये जब भी बेबी कुछ गीला करता है तो ये तुरंत उसको एब्जॉर्ब कर लेता है एंड ड्राई, उसको ज़्यादा गीला नहीं फील होने देता। तो ये क्विक ड्राई शीट बहुत हेल्पफुल है, आप ऐसे 2-3 रख सकते हो। मैंने ऐसे 2 शीट लेके रखे थे जो मुझे बहुत यूजफुल हुए, जब डायपर्स वगैरह नहीं पहनाना है तब इसको बेड के ऊपर बिछा सकते हो। देन उसके बाद मैंने ऐसे 2-3 कॉटन वाले शीट्स लेके रखे थे जो कि छोटे साइज के ही रहते हैं, जिसमें आप बेबी को आराम से सुला सकते हो। अगर आपको बेबी को क्रेडल में नहीं सुलाना है, आपके पास सुलाना है, तो आप नीचे ऐसा वाला एक क्विक ड्राई शीट डाल दो, उसके ऊपर ऐसा कॉटन वाला शीट डाल दो और उसके ऊपर आप बेबी को आराम से लेटा सकते हो। तो ये ऐसी मैंने 7-8 कॉटन शीट्स लेके रखी थी, इधर मैंने आपको दिखाने के लिए 3-4 रखी है। ऐसी आप रख सकते हो, ये बहुत ही अच्छी रहती है एंड बेबी को कंफर्टेबल भी रहता है। तो ये बात हुई क्विक ड्राई शीट एंड कॉटन शीट की। उसके बाद बात करते हैं बेबी के ब्लैंकेट्स की। तो मैंने उसके लिए ऐसे 2 ब्लैंकेट्स लेके रखे थे, एक पिंक जो कि ज़्यादा मोटा नहीं है, थोड़ा सा पतला है लेकिन बहुत ही सॉफ्ट है, बेबी को एकदम कंफर्टेबल फील हो वैसा वाला है। एंड दूसरा मैंने ब्लू कलर का लिया था जो कि थोड़ा मोटा है, तो थोड़ा ठंडा हो तो उसको वार्म फील कराने के लिए ये ब्लैंकेट बहुत अच्छा रहेगा। तो वैसे करके मैंने ऐसे 2, एक ब्लू एंड पिंक, वैसे 2 ब्लैंकेट्स लेके रखे थे, जिसमें से अभी मेरे बेबी यही यूज कर रही है, ये अभी भी अनयूज पड़ा है। तो दैट्स अप टू यू, आपको कैसे ब्लैंकेट्स लेने हैं, लेकिन ये मैंने शायद फर्स्ट क्राई से ही लिया था और ये बहुत ही अच्छा है। तो आप अपने हिसाब से, लेकिन ब्लैंकेट लेना ज़रूरी है, आप कोई भी एक अच्छा सा ब्लैंकेट लेके रखो जो बेबी को इनिशियली 3-4 डेज में ज़रूरत हो। तो ये था ब्लैंकेट। और ये एक चीज़ है जो मैंने ली थी, ये है बेबी को होल्ड करने के लिए एक शीट है, जिसमें कि इधर ऐसे उसका बेबी का सर रखने के लिए इधर ऐसे जगह रहती है, तो इधर आप बेबी को रख के फिर आराम से इसको ऐसे फोल्ड करके, इधर वेलक्रो दिया हुआ है तो आप इसको कवर करके ऐसे बेबी को अच्छे से उठा सकते हो। क्योंकि इनिशियली क्या होता है कि जब डिलीवरी के बाद बेबी आपके साथ रहता है हॉस्पिटल में, फिर उसको चेकअप्स के लिए हम पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाते हैं ना, तो वो टाइम पे हमें बेबी को होल्ड करने के लिए कुछ चाहिए होता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसमें आप बेबी को अच्छे से कैरी करके लेके जा सकते हो। तो ये भी आप ले सकते हो, लेना है तो, ज़रूरी नहीं है लेना, लेकिन ये मैंने जस्ट बॉर्न से लिया हुआ था एंड बहुत अच्छा है। मैंने इनिशियली इसको बहुत यूज़ किया जब मेरा बेबी छोटा था, तो
ये चीजें हुई ब्लैंकेट. उसके बाद मैंने बेबी के लिए एक बेड लेके रखा था. आई डोंट नो सबको इसकी जरूरत महसूस हो के ना हो, लेकिन मुझे ये बहुत हेल्पफुल हुआ. ये एक बेबी बेड रहता है, उसके ऊपर ऐसे नेट रहती है एंड बीच में ऐसे जिप रहती है, सो देट आप उसको बंद करके रख सको जिससे कि कोई मॉस्किटो वगैरह अंदर ना जाए. एंड बेबी को हम क्रेडल में सुलाते हैं हॉस्पिटल में, लेकिन कभी कभी आपके पास उसको आपके बेड पे सुलाना है या दिन भर आप क्रेडल में नहीं सुला के रखना चाहते तो आप इसको बेड पे रख दो. इसके ऊपर एक क्विक ड्राई शीट डाल दो, उसके ऊपर कॉटन का शीट डाल दो और फिर बेबी को उसके ऊपर रख के उसके ऊपर ब्लैंकेट कवर कर दो. तो बेबी को एकदम वार्म फील होगा, अच्छे से वो कवर होगा एंड उसके ऊपर ये जिप बंद कर दो तो बेबी आराम से इसमें सो सकेगा और उसको भी थोड़ा चेंज मिलेगा. तो ये एक अच्छी चीज है, आप ये भी रख सकते हो बेबी बेड, और वो मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ था. तो बस ये सारी चीजें हैं बेबी के लिए, मैंने ज्यादा कुछ लिया नहीं था, बाकी सब चीजें हम मैनेज कर सकते हैं. लेकिन दीज आर द थिंग्स जो मैंने हॉस्पिटल बैग में पैक की हुई थी. तो बस यही जरूरी है, आप अपने हिसाब से प्लस माइनस कर सकते हो एंड ब्रांड्स भी दैट्स अप टू यू, आप कोई भी ब्रांड यूज कर सकते हो. तो ये था बेबी का बैग. नाउ मैंने अपने लिए कौन कौन सी चीजें पैक की थी वो मैं आपको दिखाती हूँ. तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपने लिए क्या क्या चीजें रखी थी हॉस्पिटल बैग में. जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही कम चीजें रखी थी अपने लिए, वैसे ज्यादा हमें जरूरत भी नहीं रहती है. तो कपड़ों की बात करें तो मैंने एक लॉन्ग फुल लेंथ वाला एक मैक्सी ड्रेस रखा था जिसमें आगे बटन्स हैं तो वो फिटिंग के लिए कंफर्टेबल है, अच्छा है और ये बहुत ही कंफर्टेबल चीज़ है. एंड उसके बाद मैंने दो तीन टी शर्ट्स एंड पजामाज लेके रखे थे जो कि मैं डे टू डे में पहनती हूँ. मैं पर्सनली ऐसे बिलीव करती हूँ कि आप जो डे टू डे में पहनते हैं वैसे कंफर्टेबल कपड़े ही हॉस्पिटल में लेके जाए. ऐसा मत कीजिए कि आप स्पेशली हॉस्पिटल के लिए नए पजामाज एंड टी शर्ट्स खरीद रहे हैं तो क्या होगा, कभी आपको वो कंफर्टेबल ना भी लगे. तो बेटर है कि आप जिसमें कंफर्टेबल है वैसे वाले ही कपड़े आप हॉस्पिटल में लेके जाएं. मैंने उसके बाद दो तीन दुपट्टास लेके रखे थे जो कि खुद को हमें कवर करने के लिए या कभी बेबी को फीड कराने के टाइम पे जरूरत पड़ सकती है, तो मैंने ऐसे दो दुपट्टा लेके रखे थे. उसके बाद इसमें मैंने मेरे सब टॉयलेटरीज रखी थी जिसमें मेरा ब्रश, देन कॉम, देन टूथपेस्ट, फेस वॉश, ये सब चीजें मैंने इसमें रखी थी. इसमें आप मिनिमम चीजें लेके जाए, आई डोंट थिंक आपको ये सब चीजें करने का टाइम भी होगा या आप सोचोगे भी, तो मिनिमम जो रिक्वायर्ड है उतनी ही चीजें लेके जाए, जैसे पर्सनल हाइजीन वाली सब चीजें लेके जाए, बाकी आई डोंट थिंक आपको ग्रूमिंग का या मेकअप करने का कोई टाइम मिलेगा. तो ये चीजें मैंने इसमें रखी थी. उसके बाद मैंने सैनिटरी पैड्स लिए हुए थे जो कि हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है, लेकिन आपको जो कंफर्टेबल है वही आप लेके जाए तो अच्छा है, सो देट आपको कंफर्टेबल फील हो. एंड मैं सजेस्ट करूंगी कि आप वो लार्ज साइज एंड विंग्स वाले अच्छे वाले सैनिटरी पैड्स लें, जो कि क्योंकि वो टाइम पे ज्यादा ब्लीडिंग होता है तो ये ज्यादा एब्जॉर्ब कर सके, वैसे वाले नैपकिन्स सिलेक्ट करें. तो ये थे. और प्लस मैंने मेरे अंडरगार्मेंट्स लिए हुए थे, उसमें मैंने नर्सिंग के लिए स्पेशल जो रहते हैं वैसे वाले अंडरगार्मेंट्स लिए हुए थे. तो बस ये सारी चीजें हैं जो मैंने ली थी. बाकी जो बेसिक थिंग्स रहती है जैसे कि टॉवल एंड नैपकिन्स वो सब मैंने एक एक पैर लिया हुआ था. प्लस मैंने मेरे हॉस्पिटल बैग में मेरा जो पॉलिसीज के जो पेपर्स थे वो हॉस्पिटल की जो फाइल थी वो रखी हुई थी. बाकी जो हमें डे टू डे रूटीन में चाहिए जैसे कि मोबाइल है, चार्जर है, वो तो हम भूल नहीं सकते, वो हम एंड टाइम पे ले सकते हैं, उसको आगे से पैक करने की कोई जरूरत नहीं है. बाकी इतना आप लेके जाओगे उतना इनफ रहता है, बाकी कोई भी चीज की जरूरत है तो आप वो टाइम पे भी मंगवा सकते हैं. तो बस ये था मेरा हॉस्पिटल बैग जिसमें मैंने मिनिमम चीजें रखी थी, लेकिन आई थिंक दैट वॉज सफिशियंट फॉर मी. तो ये था मेरा हॉस्पिटल बैग. आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी. मैंने बहुत ही कम चीजें ली थी, जरूरी चीजें ली थी, आप अपने हिसाब से प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन ये जो बेसिक थिंग्स है वो मैंने इंक्लूड की थी, बाकी की चीजें हम मैनेज कर सकते हैं. तो
बस यही था मेरे हॉस्पिटल बैग में, और आई डोंट थिंक मुझे इससे अलावा और कुछ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ी हॉस्पिटल में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, एंड पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, एंड हमारी चैनल फर्स्ट टाइम मॉम को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं और भी नए वीडियोज़ के साथ आऊँगी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।